हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एंड स्पेसिफिकली वी दिस टॉपिक विल लर्न विथ मेन फोकस ऑन फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड पॉड एड्रेस। दीज आर द थ्री एड्रेसेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? सो वी विल लर्न इन दिस लेक्चर दैट व्हाट हैपेंस टू दिस एड्रेसेस व्हेन माय पैकेट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट? Let us see. Okay. दोस्तों, हमने अभी तक देखा है दैट फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट अ मैक एड्रेस एंड दिस डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स होप टू होप डिलीवरी। फिर हमने ये भी देखा है कि दूसरा एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस एंड इन ऑल ऑफ द केसेस दिस लॉजिकल एड्रेस इज नथिंग बट the IP address and this IP address is used at network layer and this network layer performs host to host delivery or else we can say that it performs source to destination delivery. And the third address which is used is port address. It is also called process address and this address is used at transport layer and transport layer performs end to end delivery, process to process delivery. अभी तक हमने ये देखा है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन तीन एड्रेसेस के साथ क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इनके बारे में थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? तो इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर। हियर ये A1, A2, A3 आर माई एंड डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एंड डिवाइसेस क्या होती है कि जिसमें सारे के सारे लेयर्स है हमारे OSI के, या यू कैन ऑल्सो से हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक के सारे लेयर्स है जो डेटा जनरेट करके सेंड करती है, दैट इज आर एंड डिवाइस। तो यहाँ पर A1, A2, A3 एंड डिवाइसेस है। दिस थ्री एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ स्विच। स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस और इसलिए स्विच में दो लेयर्स होंगे, एक तो डेटा लिंक लेयर और दूसरा फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, दिस स्विच इज कनेक्टेड टू द राउटर, सो लेट अस कॉल इट राउटर R1। राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो उसमें नेटवर्क लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर होगा। नाउ दिस राउटर R1 इज कनेक्टेड टू R2, दिस R2 इज कनेक्टेड टू R3, R3 इज कनेक्टेड टू R4, R2 एंड R3 आर ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस राउटर्स एंड दिस राउटर्स आर कनेक्टेड टू मोर राउटर्स, दिस ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड टू मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, दिस विल कॉल दिस पार्ट एज रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। आप समझ रहे हो, ये पूरा पूरा ये कंप्यूटर नेटवर्क का सिनेरियो है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी राउटर्स और सब चीजें मैंने यहाँ पर मान लो ड्रॉ की है, उसमें से सिर्फ हम इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज अ रेस्ट ऑफ द इंटरनेट विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, राइट? ओके, सो R2 इज कनेक्टेड टू R3, R3 इज कनेक्टेड टू R4 एंड R4 इज कनेक्टेड टू स्विच एंड अनदर स्विच एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड टू अनदर सेट ऑफ डिवाइसेज विच आर लेट्स से B1, B2, B3 एंड B4, राइट? सो दिस इज माई टॉपोलॉजी। नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू ईच ऑफ दिस सिस्टम्स, राइट? यहां पर इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक डिवाइस से पैकेट सेंड होता है, दूसरी डिवाइस तक वो पैकेट पहुंचता है, तो वो पैकेट कैसे पहुंचता है और इस जर्नी में ये तीन एड्रेसेस कैसे यूज होते हैं, ये हम आज के वीडियो सेशन में पढ़ेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव आईपी एड्रेस टू ऑल दिस सिस्टम्स। बिफोर वी गिव आईपी एड्रेस, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो A1, A2, A3 ये स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है, इतने पोर्शन को हम बोलेंगे लैन, दैट इज आर लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? सिमिलरली ये B1, B2, B3, B4 स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये स्विच इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो इतने पोर्शन को हम बोलेंगे दूसरी लैन। लेट अस कॉल दिस एज लैन 1, दिस इज लैन 2, राइट? तो ऐसी काफी सारी लैन हो सकती है पूरे इंटरनेट में, अभी हम सिर्फ इन दो लैन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू गिव आईपी एड्रेस टू ईच एंड एवरी सिस्टम, राइट? तो अज्यूम दैट IP address of system A1 is 192.168.1.2. IP address of A2 is 192.168.1.3. IP address of A3 is 192.168.1.4. अभी तक ये
आईपी एड्रेस क्या है और ये जो डिजिट्स मैंने लिखे उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन आप इतना अज्यूम करो कि ये आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का एक एड्रेस होता है जो पूरे वर्ल्ड की सारी सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है और जिसके ऊपर से हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये मैंने आईपी एड्रेसेस इन सिस्टम्स को दिए। अब इन सिस्टम को भी मैं आईपी एड्रेस दूंगा और उनको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूं 192.168.5.2, 5.3, 5.4 और 5.5। अब इस सिस्टम को आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है और ये आईपी एड्रेस देने के लिए और भी कुछ चीजें देनी पड़ती है। अगर आपने कोई सिस्टम को आईपी एड्रेस दिया हो तो आपने देखा होगा दैट यू हैव टू गिव नेट मास्क, सबनेट मास्क और गेटवे एड्रेस भी आपको देना होता है। तो ये जो सिस्टम है A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4, ये मैंने कैसे कन्फिगर की है मैं आपको समझाता हूँ। मैं सिर्फ A1 और B3 के लिए समझाता हूँ, राइट? तो जब आप किसी सिस्टम को कन्फिगर करते हो तो आपको तीन चीजें डालनी होती है। एक तो आईपी एड्रेस डालना होता है, मास्क डालनी होती है और गेटवे एड्रेस डालना होता है। आईपी एड्रेस जो आप उसे देना चाहते हो वो आप डालोगे। ये मास्क है, अभी मान लो ये मैंने डाली हुई है 255.255.255.0। इस मास्क का भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग समझेंगे तब ये मास्क के बारे में समझाऊंगा। अभी आप समझ लो ये मास्क मैंने डाली हुई है। नेक्स्ट इज गेटवे एड्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटवे एड्रेस क्या डालना होता है, तो यहां पर मैंने डाला हुआ है 192.168.1.1। अब ये गेटवे एड्रेस क्या होता है मैं समझाता हूँ। वापिस उस फिगर में हम आते हैं, ये रहा मेरा डायग्राम। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरी लैन है, इस लैन में जो भी पैकेट आएंगे वो सारे इस राउटर R1 के थ्रू आएंगे और इस लैन में से जितने भी पैकेट बाहर जाएंगे वो सारे इस राउटर R1 के थ्रू ही बाहर जाएंगे, राइट? सिमिलरली इस लैन में जितने भी पैकेट आएंगे वो सारे R4 के थ्रू आएंगे और यहां से जितने भी बाहर जाएंगे वो सारे R4 से बाहर जाएंगे। सो R1 इज द गेटवे फॉर दिस लैन, R4 इज द गेटवे फॉर दिस लैन। गेटवे का नाम ही ये गेटवे पड़ा है क्योंकि दैट इज एन एंट्री पॉइंट एज वेल एज एग्जिट पॉइंट फॉर योर ऑल पैकेट्स, राइट? तो जब कभी भी हम सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, हम आईपी एड्रेस देंगे, मास्क देंगे और उसके साथ साथ ये गेटवे एड्रेस भी देंगे। तो मान लो इस राउटर का, इस पॉड का आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है 192.168.1.1। तो इन सभी सिस्टम का गेटवे एड्रेस हो जाएगा ये 192.168.1.1। सिमिलरली मान लो ये राउटर R4 के ये वाले पॉड का आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है 192.168.5.1। तो इस लैन में जितनी भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सभी का गेटवे एड्रेस हो जाएगा 192.168.5.1, राइट? तो ये देखो B3 में, ये सिस्टम B3 को मैं कॉन्फ़िगर किया है, मैंने क्या लिखा है, आईपी एड्रेस है 192.168.5.4, मास्क है 255.255.255.0 और गेटवे एड्रेस है 192.168.5.1, राइट? तो अभी तक के सेशन में आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि सभी सिस्टम को आईपी एड्रेस देना होता है, गेटवे एड्रेस क्या होता है, गेटवे क्या होता है। अब और एक चीज है नेटवर्क एड्रेस। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो कि जिसमें मैंने एनालॉजी बनाई थी पोस्टल मेल सिस्टम के साथ, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो हम स्पेसिफिक एड्रेसेस देते हैं उन सबका एक कॉमन एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। तो ये नेटवर्क, इस केस में नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0। ये नेटवर्क एड्रेस आपको कैसे मिलता है, आपको आईपी एड्रेस और मास्क इन दोनों का बाइनरी एंड ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, यू विल गेट नेटवर्क एड्रेस। वो अगेन हम डिटेल में आईपी, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम में पढ़ेंगे, पर आप इतना समझो कि ये यहाँ पर इस लैन में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उनका कॉमन एड्रेस है 192.168.1.0। आप देख सकते हो कि इन सभी सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है उसमें ये तीन बाइट्स कॉमन है 192। देखो सभी का फर्स्ट बाइट है 192, दूसरा बाइट है 168, तीसरा बाइट है 1, देख सकते हो। चेंज कहां पर होता है, इस लास्ट बाइट में। ये लास्ट बाइट में ये है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4। तो इनका कॉमन एड्रेस है 192.168.1.0, राइट? सिमिलरली इनका कॉमन एड्रेस है, दैट इज नेटवर्क एड्रेस है 192.168.5.0, राइट? तो आपको नेटवर्क एड्रेस भी समझ में अभी तक आ गया है। अब हम आते हैं राउटर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। देखो जैसे हमने
इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को आईपी दिया, इस वाले राउटर के इस वाले इंटरफेस को आईपी दिया, ऐसे ही बाकी सारे राउटर्स को भी आईपी एड्रेस हमें देना पड़ेगा। तो आए राउटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर क्या करता है? राउटर इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स। राउटर कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट, लोकल एरिया नेटवर्क्स। अब इस फिगर में देखो, तो ये राउटर R1 है, इसने ये वाला नेटवर्क और ये वाला एक दूसरा नेटवर्क है वो कनेक्ट किया है। ये राउटर ने ये वाला नेटवर्क कनेक्ट किया है, फिर ये वाला कनेक्ट किया है, ये वाला कनेक्ट किया है। सिमिलरली राउटर R4 ने ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क कनेक्ट किया है। तो राउटर को कंपल्सरीली, राउटर के ये जो पॉड्स होते हैं उसको कंपल्सरीली अलग अलग नेटवर्क एड्रेस के ही वो कनेक्ट कर सकता है। जबकि स्विच है, स्विच क्या करती है? स्विच एक ही लैन की सिस्टम्स को कनेक्ट करती है। तो स्विच और राउटर में ये डिफरेंस समझिए, स्विच एक ही लैन की सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, जबकि राउटर्स एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एक से ज्यादा लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम, राइट? ओके, नाउ राउटर के जितने भी इंटरफेस, अभी राउटर एक से ज्यादा लैन को कनेक्ट करता है तो कंपलसरीली राउटर में, किसी भी राउटर में सिर्फ एक पॉड नहीं होगा, राउटर में दो या दो से ज्यादा पॉड होंगे, राइट? सो यहां पर मैंने एक राउटर का एग्जांपल दिया है, लेट्स से दिस इज राउटर R, और उसमें ये एक पॉड है, ये दूसरा पॉड है, ये तीसरा पॉड है और ये चौथा पॉड है। हर एक पॉड का एक नाम होता है, जैसे यहां पर इस पॉड का नाम है Serial 1, इसका नाम है Serial 2, इसका नाम है Serial 0 और इसका नाम है Ethernet 0। तो जब कभी भी हम राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो पॉड बनता है इथरनेट, और जब कभी भी एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो पॉड बनता है सीरियल। जैसे यहां पर इस राउटर का ये वाला पॉड बनेगा सीरियल, और ये वाला पॉड, सॉरी, ये वाला पॉड बनेगा इथरनेट और ये वाला पॉड बनेगा सीरियल। लेकिन अभी इस टॉपिक को समझने के लिए, ये वेदर राउटर का इंटरफेस सीरियल है कि इथरनेट है, वी डोंट माइंड, राइट? तो इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तब मैं आपको ये डिटेल में समझा पाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि राउटर के पास एक से ज्यादा इंटरफेस होते हैं, हर एक इंटरफेस का नाम होता है और हर एक इंटरफेस को हमें आईपी एड्रेस देना होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट द सेकंड पॉइंट इज। एवरी पॉड और इंटरफेस, पॉड और इंटरफेस सेम है, एवरी पॉड और इंटरफेस ऑफ राउटर विल हैव आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, मतलब मैंने बोला हर एक पॉड का एक आईपी एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस सारे अलग अलग नेटवर्क के होने चाहिए। अभी अभी मैंने आपको नेटवर्क समझाया, मैं क्या बोलता हूं, राउटर के जितने भी पॉड है उन सब के आईपी एड्रेस होने चाहिए और ये सारे आईपी एड्रेस अलग अलग नेटवर्क के होने चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट, अलग अलग नेटवर्क के होने चाहिए, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। मानो ये इस राउटर का इथरनेट 0 वाला पॉड है, उसको मैंने आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1 और मास्क मैंने दी 255.255.255.0, तो मेरा नेटवर्क एड्रेस बना 192.168.1.0। अब मैं Serial 1 वाले कनेक्शन का आईपी एड्रेस मान लो मैं देता हूं 192.168.1.10 और मेरी मास्क के मान लो 255.255.255.0, तो मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा? अगेन 192.168.1.0। तो ये इथरनेट वाला जो पॉड है, इथरनेट 0 वाला पॉड और ये Serial 1 वाला पॉड, दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम हो गया, ये नहीं चलेगा, राइट? दिस विल सी व्हेन वी कॉन्फ़िगर राउटर इन सिस्को पैकेट ट्रेसर, राइट? अगर हम किसी भी राउटर के किसी भी दो इंटरफेस को सेम नेटवर्क एड्रेस का आईपी देंगे, इट विल शो अस एन एरर, इट मस्ट बिलोंग टू अ डिफरेंट नेटवर्क, राइट? तो मैं Serial 1 को 192.168.1 वाली सीरीज का आईपी नहीं दे सकता, मैं उसको 2 वाली सीरीज का कोई भी आईपी दे सकता हूँ, राइट? सो मैंने इसको मान लो दिया 192.168.2.10 और मास्क है मेरी 255.255.255.0, तो इसका नेटवर्क एड्रेस बनेगा 192.168.2.0। तो आप समझो कि ये इथरनेट 0 का नेटवर्क था 1.0 और ये Serial 1 का बन गया 2.0, राइट? सो दोनों अलग अलग नेटवर्क के हो गए, सो नाउ दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। सिमिलरली आपको Serial 2 का अगर आप आईपी देते हो तो वो इस नेटवर्क का भी नहीं होना चाहिए, ये वाले नेटवर्क का भी नहीं होना चाहिए, किसी तीसरे ही नेटवर्क का होना चाहिए और इसका आईपी इन तीनों के अलावा किसी चौथे ही नेटवर्क का होना चाहिए, राइट? तो
इस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कौन सा आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं कौन सा नहीं दे सकते, आई होप आपको समझ में आ गया। तो आए हम राउटर को आईपी एड्रेस देते हैं सारे इंटरफेस को। तो इस फिगर में मैंने राउटर R1 के इस वाले इंटरफेस को आईपी दिया है 2.1 और राउटर R2 के इस वाले इंटरफेस को आईपी दिया है 2.2। अब और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये राउटर R1 और R2 इस सीरियल केबल से कनेक्टेड है, तो कंपलसरीली इन दोनों को, राउटर R1 के इस वाले पोर्ट को जो आप आईपी एड्रेस दोगे वो आईपी एड्रेस, और राउटर R2 के इस वाले पोर्ट को जो आईपी एड्रेस दोगे वो दोनों ही एक ही नेटवर्क के होने चाहिए। समझो, एक राउटर के एक से ज्यादा इंटरफेस है तो सबके आईपी एड्रेस अलग अलग नेटवर्क के होने चाहिए, और दो राउटर एक केबल से कनेक्ट है तो दोनों का अपने अपने छोर का जो आईपी एड्रेस होगा वो एक ही नेटवर्क का होना चाहिए, राइट। तो यहां पर मैंने 2.1 वाला लगाया, तो यहां पर मुझे 2. समथिंग वाला ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 3. समथिंग लगाऊंगा देन इट विल शो मी एन एरर, इनकरेक्ट कनेक्शन, राइट। ओके, तो चलो ये वाला नेटवर्क बन गया है 192.168.2.0, ये वाला है 1.0। अभी मैं आगे क्या करता हूं, अभी इसको 3.0 वाला नेटवर्क लेता हूं। तो राउटर R2 के इस वाले पोर्ट को मैंने 3.1 एड्रेस दिया, इसको 3.2 दे दिए। फिर राउटर R3 के इस वाले पोर्ट को मैंने 4.1 दे दिया और इसको 4.2 दे दिया। तो आप देखो अलग अलग नेटवर्क हो गए, ये R2 का ये वाला पोर्ट है 2.0 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड और R2 का ये वाला पोर्ट है 3.0 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, राइट। सिमिलरली राउटर R4 के इस पोर्ट को मैंने दिया है 192.168.4.2। तो मैंने सारे सिस्टम्स को और सारे राउटर्स के हर एक इंटरफेस को आईपी दे दिए, तो आईपी एड्रेस का काम खत्म हो गया, मतलब हमने आईपी असाइन किया है, राइट। अभी और कौन सा एड्रेस यूज होता है, नेक्स्ट एड्रेस यूज होता है मैक एड्रेस। नाउ मैक एड्रेस इज यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर, और आप समझो यहां पर मैंने ये साइन नेमोनिक कोड यूज किया है। लेट्स से द मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस A1 इज MA1, मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस A2 इज MA2, A3 इज MA3, सिमिलरली MB1, MB2, MB3, MB4 फॉर ऑल दिस डिवाइसेस। ये मैक एड्रेस इज डेटा लिंक लेयर एड्रेस, और ये एड्रेस आपका जो लैन कार्ड होता है उसमें फिक्स होता है, राइट। ये मैक एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करना नहीं होता है, जब हम सिस्टम A1 को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें सिर्फ आईपी मास्क और गेटवे एड्रेस ही देना होता है, मैक एड्रेस नहीं देना होता है, सिस्टम को अपना खुद का मैक एड्रेस पता होता है। नेक्स्ट, राउटर के केस में जैसे हमने आगे देखा आईपी एड्रेस में कि राउटर के हर एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा, वैसे ही राउटर के हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस भी होगा, राइट। तो राउटर R1 के इस वाले इंटरफेस का मान लो मैक एड्रेस है MR11, दैट इज MR11, और इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है MR12, इसका सॉरी मैक एड्रेस इसका है MR12। राउटर R2 के ये वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस मान लो है MR21, यह है 22, यह है MR31, 32, 4142, राइट। तो मैंने मैक एड्रेस भी ये सेट कर दिए, मतलब यहां पर मैंने लिख लिए है ताकि आगे मैं आपको समझा पाऊं ये मैक एड्रेस भी कैसे यूज होंगे। नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है, नेक्स्ट एड्रेस है पॉड एड्रेस। पॉड एड्रेस क्या होता है, हर एक प्रोसेस का एड्रेस होता है, राइट। तो यहां पर मान लो मेरा सेंडर है A1, मैं हर एक सिस्टम की प्रोसेसेस नहीं दिखा सकता, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेंडर डिसाइड करता हूं। मान लो मेरा सेंडर है A1 और मान लो मेरा रिसीवर है B3। ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं ले रहा हूं कि मान लो सेंडर है A1, रिसीवर है B3। अब A1 के अंदर काफी सारी प्रोसेस रन हो रही होंगी, लेट से P1, P2, P3, राइट। ये तीन प्रोसेस है, इस प्रोसेस का पॉड एड्रेस है मान लो P1, इस प्रोसेस का पॉड एड्रेस है P2 और इस प्रोसेस का पॉड एड्रेस है P3। सिमिलरली B3 के अंदर भी प्रोसेसेस रन हो रही होंगी, मान लो इस प्रोसेस का पॉड एड्रेस है P1, इसका है P2, इसका है P3। ऐसा हो सकता है, इसका P1 है, यहां पर भी P1 है, ये दिस इज पॉसिबल, राइट। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि डिवाइस A1 की प्रोसेस P1 को डिवाइस B3 की प्रोसेस P3 को डेटा भेजना है,
हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्या करना है, डिवाइस A1 की प्रोसेस P1 डेटा जनरेट करती है एंड द रिसीवर इज डिवाइस B3 की प्रोसेस P3। तो मेरा पैकेट यहां से यहां कैसे जाएगा और बीच में ये आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पॉड एड्रेस कैसे यूज होंगे ये हम देखेंगे। तो समझो, मेरा सेंडर क्या हो गया, डिवाइस A1, उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.2, मैक एड्रेस क्या है MA1 और पॉट क्या है P1, जो जिस पॉट से ये डेटा जनरेट होगा। रिसीवर कौन सा है मेरा, डिवाइस B3, उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.5.4, उसका मैक एड्रेस क्या है MB3 और पॉट एड्रेस क्या है P3, राइट। अब मेरा जो ये पैकेट है कौन सा पाथ फॉलो करेगा, मेरा पैकेट ये वाला पाथ फॉलो करता है, लेट अस अज्यूम मेरा पैकेट ये पाथ फॉलो करता है, A1 से वो R1 पे जाएगा, R1 से R2 पे, R2 से R3 पे, R3 से R4 पे और फिर R4 से वो आएगा B3 के पास, राइट। तो ये पाथ मैंने यहां पर लिखा हुआ है, A1 R1, R1 टू R2, R2 टू R3, R3 टू R4, R4 टू B3। ये जो बाकी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है वो अभी हम स्किप करते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट अस इमेजिन दैट प्रोसेस P1 ऑफ डिवाइस A1 हैज जनरेटेड डेटा। तो वो डेटा एप्लीकेशन लेयर से जनरेट हुआ, सो लेट अस कॉल दैट एज मैसेज M। यहां पर मैंने इस फिगर में ब्लैक पेन से यहां पर लिखा हुआ है मैसेज M, दिस इज द एक्चुअल डेटा विच सेंडर A1 वॉन्ट टू सेंड टू B3, राइट। फिर ये डेटा कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि सेंडर साइड पे हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होकर के वो नीचे आता है, फिर रिसीवर के साइड वो नीचे से ऊपर जाता है, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर ने ये डेटा जनरेट किया, वो आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अपना हेडर ऐड करेगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करता है। अब उस हेडर में काफी सारे फील्ड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में काफी सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही फील्ड के बारे में बात करेंगे, सोर्स पॉट एड्रेस और डेस्टिनेशन पॉट एड्रेस, राइट। अभी के लेक्चर में सिर्फ हम दो के बारे में बात करते हैं, सोर्स पॉट एड्रेस और डेस्टिनेशन पॉट एड्रेस। तो सोर्स पॉट एड्रेस क्या है, P1, राइट, ये P1 वाली प्रोसेस। डेस्टिनेशन पॉट एड्रेस क्या है, P3, ये वाला P3। तो वो मैंने डाल दिया यहां पर P1 और P3। अब ये पैकेट जाएगा कहां पर, मेरी डिवाइस A1 के नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, अगेन नेटवर्क लेयर विल एड इट्स ऑन हेडर। अब अगेन उस नेटवर्क लेयर के हेडर में काफी सारे फील्ड्स होते हैं, हम यहां पर सिर्फ दो ही फील्ड के बारे में बात करेंगे, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। क्या आप मुझे बताओगे व्हाट विल बी सोर्स आईपी एड्रेस, इट विल बी नथिंग बट आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस A1। एंड व्हाट विल बी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इट इज नथिंग बट आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस B3, राइट। तो यहां पर सोर्स आईपी एड्रेस में A1 का आईपी एड्रेस जाएगा, दैट इज 192.168.1.2 और यहां पर डेस्टिनेशन में B3 का आईपी एड्रेस जाएगा, दैट इज 192.168.5.4, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी कॉल दिस आईपी एड्रेस एज IPS एंड दिस आईपी एड्रेस एज IPD। तो अभी आगे के लेक्चर में मैं ये IPS और IPD ही यूज करूंगी फॉर 192.168.1.2 फॉर सॉरी 192.168.5.4। चलो ये हो गया। अब नेटवर्क लेयर से मेरा पैकेट कहां पर आएगा, डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर अपना हेडर और ट्रेलर भी ऐड करेगा, हम ट्रेलर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम हेडर के बारे में बात करेंगे। अगेन उसके हेडर में काफी सारे फील्ड्स होंगे, लेकिन हम यहां पर सिर्फ दो ही फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, हमारी डिवाइस A1 का जो मैक एड्रेस है वो होगा सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा। अगर आप सोच रहे हो कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारी डिवाइस B3 का मैक एड्रेस होगा तो आप गलत हो। यहां पर ट्विस्ट आता है, राइट। MA1 will be the source MAC address, that is the MAC address of device A1 which has generated the data, which has created the data. But यहाँ पर destination MAC address will not be the MAC address of device
B3, it will be the MAC address of device R1. मतलब यहां से मेरा पैकेट नेक्स्ट जिस डिवाइस के पास जाने वाला है उसका मैक एड्रेस यहां पर हम डालेंगे. क्यों? क्योंकि हमने देखा है दैट डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स होप टू होप डिलीवरी, राइट? तो ये A1 टू R1 एक होप हो गई, ये स्विच का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? स्विच विल सिंपली फॉरवर्ड इट. तो A1 टू R1 एक होप हो गई, फिर R1 से R2 दूसरी होप हुई, R2 से R3 तीसरी होप हुई, R3 से R4 चौथी होप, और R4 से B3 पांचवी होप हुई. सो यहां पर R1 का मैक एड्रेस हो गया, राइट? मतलब अभी हम कहां पर है? हम डिवाइस A1 के नेटवर्क लेयर पे है. अब आप बोलोगे सर डिवाइस A1 के नेटवर्क लेयर को कैसे पता है कि ये R1 का मैक एड्रेस क्या है, राइट? तो R1 का मैक एड्रेस जानने के लिए मेरी डिवाइस जो A1 है वो ARP क्वेरी जनरेट करेगी. आप समझिए, मेरी डिवाइस A1 के डेटा लिंक लेयर को R1 का मैक एड्रेस चाहिए जो उसे नहीं पता है. तो मेरी डिवाइस A1 ARP क्वेरी जनरेट करेगी. वो ARP क्वेरी क्या होगी? वेरी सिंपल, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स. That ARP query will be something like this. What is the MAC address of system having IP address 192.168.1.1? जिसका IP address 192.168.1.1 है उसका MAC address क्या है? ये query that will be broadcasted, right? तो ये query यहां पर मैंने इस diagram में जैसे दिखाया हुआ है, A1 से ये ARP query जाएगी. ये जो red वाला part देख रहे हो वो जो क्वेरी जाती है उसका मैंने ड्रॉ किया है फ्लो. A1 से वो जाएगी स्विच के पास, देन दिस स्विच विल ब्रॉडकास्ट दिस ARP क्वेरी टू एवरी कनेक्शन. सो दिस स्विच विल फॉरवर्ड इट टू R1, इट विल फॉरवर्ड इट टू A2, इट विल फॉरवर्ड इट टू A3, राइट? अभी क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1. अभी A2 का आईपी एड्रेस ये नहीं है, देन A2 विल डिस्कार्ड दिस पैकेट. A3 का आईपी एड्रेस भी ये नहीं है, A3 विल डिस्कार्ड दिस पैकेट. हाँ, लेकिन R1 के इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1. सो R1 विल सेंड रिप्लाई टू A1. सो R1 से वो रिप्लाई आएगा स्विच के पास, स्विच में से वो रिप्लाई जाएगा A1 के पास, और उस रिप्लाई में क्या होगा? उस रिप्लाई में R1 अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा, राइट? तो ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दैट इज ARP क्वेरी. ऑलवेज ARP क्वेरी ब्रॉडकास्ट होती है. एंड ग्रीन वाला जो फ्लो आप देख रहे हो, दैट इज ARP रिप्लाई, ऑलवेज वो यूनिकास्ट ही होती है. R1 फिर उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, R1 को स्पेसिफिकली A1 को देगी, समझे? अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये डिवाइस A1 को कैसे पता चलेगा कि मुझे R1 को डेटा भेजना है. हमने देखा जब हम डिवाइस A1 को कॉन्फिगर कर रहे थे तब हमने डिवाइस A1 को गेटवे एड्रेस समझाया है. जब हम डिवाइस A1 को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब हमने A1 को गेटवे एड्रेस दिया था. मतलब हमने A1 को समझाया था कि अगर तुझे कोई भी पैकेट बाहर भेजना है तो तुझे पहले गेटवे को सेंड करना पड़ेगा, राइट? तो हमने वहां पर उसका आईपी एड्रेस दिया था. तो मेरी डिवाइस A1 को इस गेटवे का आईपी एड्रेस पता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता है, इसलिए वो ये सारी प्रोसेस करेगा, राइट? और जब मेरी डिवाइस A1 को R1 का मैक एड्रेस मिल जाता है तब उसका डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में वो डालेगा MR11. यहां पर आप देख सकते हो ये है सोर्स मैक एड्रेस दैट इज MA1, और ये है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दैट इज MR11, दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस ऑफ राउटर R1, राइट? सो नाउ using this MAC address and using this data link layer protocol, my packet, यहाँ पर आते हैं diagram में, using MAC address, using data link layer, my packet will be forwarded from A1 to switch and switch to R1. मतलब ये जो पूरी चीज है, ये जो मैंने यहाँ पर draw की हुए M, P1, P3, IPS, IPD, MA1, MR11, ये पूरी चीज R1 के पास आ गई, right? R1 के पास ये पूरी चीज आ गई. अब क्या आप मुझे बताओ कि R1 में कौन कौन से लेयर होते हैं?
R1 में, R1 इज राउटर नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो उसमें तीन लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होता है, एप्लीकेशन लेयर नहीं होता है। मतलब R1 को ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है और एप्लीकेशन लेयर के बारे में भी कुछ समझ में नहीं आता है, उसके नीचे सारा समझ में आता है, राइट। नाउ R1 हैज टू डिसाइड, अब ये जो पैकेट आया है उसे मुझे कहां भेजना है, राइट। आप ऐसा बोलोगे सर R1 के पास तो ये एक ही दूसरा कनेक्शन है तो उसे ऑब्वियसली यहां पर ही भेजना है। नहीं, मान लो R1 का ये दूसरा, R1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस राउटर, R1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सम अदर नेटवर्क ऑल्सो, राइट। सो R1 इज कनेक्टेड टू लेट्स से टू मेनी डिफरेंट इंटरफेसेस। नाउ R1 हैज टू डिसाइड कि ये वाला जो पैकेट आया उसे इस पैकेट को यहाँ पर R2 को देना है या फिर इस वाले राउटर को, यहाँ पर मान लो कनेक्शन है तो इस वाले राउटर को देना है या फिर राउटर R1 का दूसरा और भी कनेक्शन है वहां पर देना है। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय राउटर R1। और मेरा राउटर R1 वो डिसीजन कैसे लेगा, मेरा राउटर R1 विल ऑब्जर्व द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मेरा राउटर R1 क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को ऑब्जर्व करेगा। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, IPD, दैट इज नथिंग बट 192.168.5.4, यहां पर आप देख सकते हो। तो मेरे राउटर ने ये रीड किया, भाई ये 192.168.5.4 को भेजना है। देन व्हाट माय राउटर विल डू, माय राउटर विल कॉन्टेक्ट इट्स राउटिंग टेबल। हर एक राउटर का एक राउटिंग टेबल होता है, तो मेरा राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा। उस राउटिंग टेबल में ये तीन फील्ड होते हैं, अगर क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है तो तीन फील्ड होंगे, क्लासलेस है तो चार फील्ड होंगे। अगर इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे और ये टेबल कैसे बनता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसा समझ लो इस लेक्चर को समझने के लिए कि ये टेबल ऑलरेडी राउटर का बना हुआ है। और ये टेबल क्या है, यहाँ पर एक फील्ड होगा डेस्टिनेशन, एक फील्ड होगा नेक्स्ट हॉप और एक फील्ड होगा इंटरफेस। डेस्टिनेशन में सारे नेटवर्क एड्रेस मैंने इस राउटर ने लिखे होंगे, और नेक्स्ट हॉप का मीनिंग क्या है, ये ऐसा बोलती है कि अगर इस नेटवर्क एड्रेस का कोई भी पैकेट आता है तो मुझे उसे इस वाले आईपी पे भेजना है। इस नेटवर्क एड्रेस का कोई भी पैकेट आता है तो मुझे इस वाले आईपी एड्रेस पे भेजना है, राइट। और यहां पर इस उस इंटरफेस का नाम होता है, दैट इज सीरियल 1। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ऑब्वियसली राउटर R1 को ये वाला नेटवर्क, दैट इज 192.168.2.0 या 3.0 या 4.0 या 5.0 वाला कोई भी पैकेट आए तो राउटर R1 को उसे कहां भेजना है, R2 के पास, राइट। तो नेक्स्ट हॉप में क्या आएगा, इस R2 के इस वाले इंटरफेस का आईपी आएगा, और वो क्या है, 192.168.2.2। फिर से मैं समझाता हूँ, राउटर R1 को इस 2.0 डेस्टिनेशन वाला पैकेट आए या 3.0 डेस्टिनेशन वाला पैकेट आए, 4.0 वाला आए या 5.0 वाला आए, ये सब क्या है, नेटवर्क एड्रेस। इनका कोई भी पैकेट आए तो उसे कहां भेजना है, R2 को, और R2 के इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा नेक्स्ट हॉप में, राइट। तो मेरा जो पैकेट है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.5.4, तो मेरा राउटर उसका नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करेगा, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 192.168.5.0। फिर वो अपना राउटिंग टेबल चेक करने जाएगा और यहां पर उसे एंट्री मिली, 192.168.5.0 वाला कोई भी पैकेट आए तो उसे भेजना है मुझे 192.168.2.2 पे, राइट, और इंटरफेस है सीरियल 1। तो ये आंसर उसके नेटवर्क, उसके ये जो राउटिंग टेबल है उसने दिया। अब ये पैकेट नीचे जाएगा इस राउटर के डेटा लिंक लेयर के पास, राइट, इस राउटर के डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा। तो अभी डेटा लिंक, राउटर के डेटा लिंक लेयर के लिए अभी सोर्स क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और डेस्टिनेशन हो जाएगा ये R2। आप समझिए, पहले ये होप थी A1 टू R1, अभी होप है R1 टू R2, तो मेरा सोर्स बन जाएगा डेटा लिंक लेयर के लिए R1 और डेस्टिनेशन बन जाएगा डेटा लिंक लेयर के लिए R2। लेकिन मेरे R1 को इसका मैक एड्रेस नहीं पता है, तो मेरा R1 अगेन ARP क्वेरी जनरेट करेगा। उस क्वेरी में क्या होगा, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द सिस्टम विच इज हैविंग आईपी एड्रेस 192.168.2.2, और वो क्वेरी ब्रॉडकास्ट करेगा, यहां भी भेजेगा, यहां भी भेजेगा। आंसर कौन देगा,
ये राउटर देगा, ये राउटर बताएगा कि भाई इसका आईपी एड्रेस, इसका मैक एड्रेस है MR21, राइट। तो फिर ये राउटर R1 हमारे पैकेट को मॉडिफाई करेगा और बनाएगा ये पैकेट, ये देखो पाथ R1 to R2। अब आप ये पाथ है A1 to R1 और ये है R1 to R2। अब इन दोनों में ना तो हमारे एप्लीकेशन लेयर में कुछ चेंज आता है, ना तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ चेंज आता है। एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर हमने देखा है ये एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये राउटर हमारा जो है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर होता ही नहीं, तो उसे समझ में नहीं आएगा, राइट। ये जो राउटर हमारा जो है वो हमारे जो नेटवर्क का हेडर है उसका कुछ पार्ट चेंज करता है, लेकिन ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं करता है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट। सो माय सोर्स आईपी विल बी एज इट इज IPS, जो हमारी डिवाइस A1 का आईपी था वही रहेगा, और हमारा डेस्टिनेशन आईपी हमारी डिवाइस B3 का आईपी ही रहेगा। लेकिन मैक एड्रेस विल बी चेंज्ड, नाउ सोर्स मैक एड्रेस विल बी R1 का मैक एड्रेस होगा और R2 का मैक एड्रेस होगा, मतलब R1 के इस वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस दैट इज MR12, और R2 के इस वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस दैट इज MR21, समझे, राइट। सो नाउ अभी आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया, अब मैं पूरा एक ही डायग्राम में आपको समझा दूं। तो मान लो फिर डेटालिंक लेयर से मेरा पैकेट R2 तक पहुंच गया, फिर R2 सिमिलरली जैसे R1 ने चेक किया अपना राउटिंग टेबल, R2 भी अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, और उस राउटिंग टेबल में वो क्या देखने जाएगा, वो राउटिंग टेबल में चेक करने जाएगा भाई ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है IPD दैट इज 192.168.5.4, उसका नेटवर्क एड्रेस बनता है 192.168.5.0। मेरा राउटिंग एड्रेस ऐसा बोलता है मुझे उसे भेजना है 192.168.3.2 को, लेकिन मुझे उसका मैक नहीं पता है। सो R2 विल जनरेट ARP क्वेरी, दिस R3 विल गिव रिप्लाई, विल सेंड मैक एड्रेस टू दिस। सो नाउ राउटर R2 विल क्रिएट पैकेट लाइक दिस, ये पॉड एड्रेस चेंज नहीं होंगे, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होंगे, लेकिन मैक एड्रेस में क्या आएगा, MR22 MR31, राइट। तो ये बन गया R2 से R3 का पाथ, सिमिलरली R3 से R4 के पाथ के लिए आप समझ सकते हो। एंड फाइनली R4 में क्या होगा, R4 अगेन अपने राउटिंग टेबल में चेक करने जाएगा, और R4 के राउटिंग टेबल में ऐसा लिखा होगा दैट दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर नेटवर्क, मतलब ये वाले इंटरफेस, ये इथरनेट वाले इंटरफेस पे ये कनेक्टेड है, यू सेंड इट, राइट। तो यहां पर R4 क्या करेगा, ARP क्वेरी जनरेट करेगा, R4 का टेबल ऐसा बोलता है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अस, तो R4 ARP क्वेरी जनरेट करेगा कि जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.5.4 उसका मैक एड्रेस क्या है, राइट। तो वो क्वेरी आएगी स्विच के पास, स्विच भेजेगी B1 B2 B3 B4 को, B1 B2 और B4 उसे डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन B3 आंसर देगा भी मेरा मैक एड्रेस है ये, और R4 यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर R4 से B3 की होप में सोर्स मैक एड्रेस है MR42 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है MB3, और मेरा पैकेट यहां पर B3 डिवाइस तक पहुंच गया, B3 डिवाइस के डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा है, फिर ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर पे, फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगा भाई इस डिवाइस B3 पे P1 P2 P3 कनेक्टेड है, लेकिन उसे भेजना है डिवाइस, सॉरी उसे भेजना है प्रोसेस P3 को, राइट। सो दिस इज हाउ माय एड्रेसेस आर अफेक्टेड इन द जर्नी ऑफ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, इस पैकेट की जर्नी में कभी भी पॉट एड्रेसेस चेंज नहीं होते हैं, कभी भी आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मैक एड्रेसेस चेंज होते हैं एट ईच एंड एवरी होप। आई होप दैट आपको ये होप टू होप डिलीवरी क्या होती है और क्यों इसे डेटा लिंक लेयर होप टू होप डिलीवरी करता है वो समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी क्यों करता है, मतलब उसे क्यों बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, वो भी समझ में आया होगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड डिलीवरी या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी उसे क्यों बोलते हैं
वो भी समझ में आया होगा। इस पूरे एग्जाम्पल में एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने पब्लिक एड्रेस प्राइवेट एड्रेस पिक्चर में नहीं लिया है। मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि जितने भी एड्रेसेस है वो सारे पब्लिक एड्रेसेस है। अगर आपको पब्लिक एड्रेस प्राइवेट एड्रेस पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कंसेप्ट नहीं पता है तो वो हम आगे देखने वाले हैं, वो आगे आएगा। लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का, मैं बता दूं कि ये सारे एड्रेस पब्लिक एड्रेस मैंने अज्यूम करके ये एग्जाम्पल बनाया है। अदरवाइज हम अगर प्राइवेट पब्लिक एड्रेसेस यूज करें तो मेरे राउटर R1 दैट इज मेरे गेटवे के पास एक बार आईपी एड्रेस चेंज होगा, प्राइवेट का पब्लिक में कन्वर्ट होगा, फिर इस पूरी जर्नी में वो एड्रेस चेंज नहीं होगा, फिर वापिस आते समय वो आईपी पब्लिक में से प्राइवेट में कन्वर्ट होगा, राइट? लेकिन वो कंसेप्ट प्राइवेट पब्लिक एड्रेस क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो सेशन में देखेंगे। आज का मेरा गोल था आपको ये तीनों एड्रेसेस के बारे में समझाना और वो मेरे पैकेट की जर्नी में कैसे चेंज होते हैं, नहीं होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।